हेलो स्टूडेंट, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। अब मैंने एक लेक्चर इसका बना चुका है, एक्सरसाइज 7.1 का, ठीक। तो आप उसको पहले जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक है वहाँ पे क्लिक करिए और आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 7.1 का एक लेक्चर और ये दूसरा लेक्चर है। अब हमने क्वेश्चन 4 तक कराया है उसमें सॉल्यूशन, तो अब हम आज क्वेश्चन 5 से सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन बहुत लेंथी है तो क्वेश्चन हम राइट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन बुक से ही समझा देते हैं और आप क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा स्टूडेंट और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगा। तो देखिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8, ठीक। बोला गया है कि एक क्लासरूम है, ठीक, उसमें 4 फ्रेंड्स, क्या एक क्लासरूम है उसमें 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी और डी में बैठे हुए हैं। देन चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्व, देखिए चंपा और चमेली कहाँ गए, वहां क्लास में। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क, देखिए आफ्टर कुछ देर तक गए क्लास में और ऑब्जर्व किए देखे और थोड़ी एक दो मिनट बाद चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, बोली क्या आप नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, ठीक। और इसके बाद बोली चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और चमेली क्या हुई डिसएग्री हो गई, तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करी और फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो करेक्ट क्या है ये हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप यहां से हम निकालेंगे कि कौन क्या है, है ना, यहां से पॉइंट निकाल लेंगे। देखिए यहां से अगर जोड़े तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए से बी, बी से सी और यहां से ए से डी और डी से सी, ठीक। अब यहां से हम पॉइंट निकाल लेंगे, देखिए कोई एक पॉइंट, ठीक। अब देख सकते हैं आप यहां से हम पॉइंट निकालेंगे, ठीक। ए का देखिए, ये देखिए क्या है एक्स थ्री और वाई क्या हो जाएगा 4, ठीक। तो ए का पॉइंट क्या हो जाएगा 3 और 4, ठीक। ये देखिए 3x और 4y, ये x एक्सिस होता है y एक्सिस, ठीक। इसी तरह b का कोई पॉइंट निकालेंगे, देखिए b का पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां से देखिए b का 6 और ये 7, क्या हो जाएगा 6 और 7 हो जाएगा। इसी तरह c का देखेंगे 9 और 4, क्या हो जाएगा c का, इसी तरह 9 और 4 हो जाएगा c है, ये क्या है सी का क्या हो जाएगा 9 और 4 हो जाएगा। इसी तरह डी का देखेंगे तो 6 और 1, डी का क्या हो जाएगा 6 और 1 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए अगर वो बोल रही है चंपा बोली चमेली से, क्या आपको नहीं दिख रहा कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो उसको भरोसा नहीं हुआ तो अब क्या किए अपन लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकालना चालू किए। तब देखिए कौन है चंपा राइट है कि चमेली, ठीक। तो हम क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, देख लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला है रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, किसकी डिस्टेंस, ए बी की डिस्टेंस, ठीक। तो देखिए ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, यहां से ए बी का निकालेंगे तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, देन 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा रूट ओवर 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर, यहां से 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, ठीक। यहां से क्या हो जाएगा 9 9 18, ठीक। यहां से रूट 18 आ गया, ठीक, देख सकते हैं कि रूट 18 आ गया ए बी। अब देखिए बी सी की डिस्टेंस निकालें, किसकी, बी सी की डिस्टेंस, ठीक। बी सी की डिस्टेंस देखिए तो क्या हो जाएगा, बी सी का डिस्टेंस 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, अब देख सकते हैं कि एक्स टू माइनस एक्स वन और बाई टू माइनस बाई वन, ठीक। यहां से क्या हो जाएगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं यहां से क्या है 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर और यहां से -3 का होल स्क्वायर, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो इक्वल 18 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक।
बीसी भी कितना आ चुका है आप देख सकते हैं 18। अब बीसी के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, सीडी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सीडी। अब देखिए सीडी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से सीडी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, देख सकते हैं आप सीडी ये क्या हो जाएगा, एक्स टू और वाई वन और ये एक्स वन और वाई वन, ठीक है। एक्स टू क्या है 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, देन 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा 6 में 3 गया माइनस का 3 होल स्क्वायर और यहां से माइनस का 3 का होल स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस 3 जा 9 और 3 जा 9, तो यहां से क्या हो जाएगा 18। देखिए यहाँ पे भी सी डी क्या चुका है 18 आ चुका है, आई होप यू हैव सीन हियर। देन वी हैव टू फाइंड आउट डी ए, क्या निकालेंगे अब, डी से ए की डिस्टेंस निकालेंगे। स्टूडेंट थोड़ी स्पेस की कमी हो रही तो हम इस साइड लिख रहे हैं, देखिए ठीक। अब यहां निकालें हम क्या, डी ए की डिस्टेंस, अब डी ए की डिस्टेंस में लगा दें एक्स टू माइनस एक्स, तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, देन यहां से 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यहां से आप देख सकते हैं कि 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और 1 माइनस तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप यहां देख सकते हैं बड़ी वैल्यू का साइन और यहां पे छोटी वैल्यू की साइन, बड़ी वैल्यू की साइन तो माइनस है तो माइनस आ गया। अब यहां से देख सकते हैं आप क्या हो जाएगा 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाता 3 जा 9, तो यहां से क्या आ चुका है देख सकते हैं कि 18 आ चुका है, ठीक। अब देख सकते हैं ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू और सी डी की वैल्यू क्या है, डी ए, डी ए की वैल्यू सेम डिस्टेंस आया है ना, तो हम कह सकते हैं। अब एक चीज और चेक करेंगे, अगर डायगोनल देख सकते हैं कि डायगोनल क्या है ए सी और बी डी, सॉरी बी डी, अगर डायगोनल सेम आ गया तो हम क्या सकते हैं कि इट इज अ स्क्वायर। तो आप देखिए ए सी का निकालेंगे, ये है हमारे पास ए और ये है सी, तो ए सी सबसे पहले निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट ओवर, अब एक्स सी क्या हो एक्स टू और वाई टू, यहाँ एक्स वन और वाई वन। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहां से देख लीजिए क्या आ चुका है 9 माइनस 3 6 का होल स्क्वायर और यहां से 0 का होल स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, यहां से 6 जा 36 और 6 जा 36 तो क्या हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा यहां से 6 हो जाएगा। अब देखिए ए सी निकाल लिए, अब हमें क्या निकालना है बी डी, ए सी तो निकल गया अब हमें निकालना है बी डी। अब देख सकते हैं बी डी, बी डी कहाँ है, ये बी और ये हमारा डी है, तो क्या हो जाएगा एक्स टू और एक्स वन, ये बाई एक्स वन और बाई वन, तो देखिए 6 माइनस 6 और यहां से 1 माइनस क्या हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं यहां से 6 माइनस 6 0 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहां से क्या हो सकता है 0 और ये 6 है 36 मतलब 36 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 36, तो यहां से क्या आ जाएगा 6, तो आप देख सकते हैं कि बी डी की वैल्यू क्या आ चुकी है 6 आ चुकी है। बी डी की वैल्यू इक्वल है ए सी की वैल्यू के बराबर है, ठीक। अब यहां से देख सकते हैं रेड मार्कर कहां है, देखिए अब हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ चुकी है, देख लीजिए ए बी की वैल्यू रूट 18, देन बी सी की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास रूट 18, देन सी डी की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारा रूट ओवर 18, और यहाँ पे डी ए का वैल्यू भी आ चुका है आपके पास रूट 18। अब देख लीजिए ए सी की वैल्यू 6 है और बी डी की वैल्यू 6 है, तो हम क्या कह सकते हैं यस इट इज अ स्क्वायर। देन डायगोनल क्या हो गया सेम, तो यहां से लिख सकते हैं ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, ठीक कितना है रूट का 18, ठीक रूट का 18 है। और यहाँ पे डायगोनल देख लीजिए ए सी और बी डी डायगोनल भी क्या है इक्वल 6 और 6 है, तो हम क्या कह सकते हैं यस इट इज स्क्वायर, मतलब यस इट इज, यस इट इज नहीं लिखे लिख देते हैं यस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और क्वेश्चन में बोला था कौन सा करेक्ट थी, तो क्वेश्चन में बोला था कौन करेक्ट थी, तो फाइंड हुज ऑफ व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, तो देन चंपा इज अ करेक्ट, कौन करेक्ट है चंपा इज अ करेक्ट, चंपा इज अ करेक्ट, ठीक।
दिस इज द आवर सॉल्यूशन। देखिए एक बार इसको समराइज कर देता हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा हो गया। देखिए एक दिया है यहाँ से, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ से हम पॉइंट निकाले, ए की पॉइंट क्या आएगी, थ्री एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस फोर, तो ए आ गया, इसी तरह बी की, इसी तरह सी की, इसी तरह डी की, ठीक। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर लिया और यहाँ से ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस, सी डी की डिस्टेंस निकाल लिया और डी ए की डिस्टेंस निकाल लिया, और इनकी डिस्टेंस ए बी, बी सी और सी डी और डी ए की डिस्टेंस क्या आ गई, सेम आ गई। इसके बाद हमने डायगोनल बिकर्ण का ए सी और बी डी का डिस्टेंस निकाला तो क्या आ गई, सेम, ए सी बराबर बी डी है, तो ठीक डायगोनल सेम है और इसके साइड्स क्या है, सेम है स्टूडेंट, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक स्क्वायर है, यस इट इज अ स्क्वायर, ठीक, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड चंपा इज अ करेक्ट है। ओके स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट अब ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 6, ठीक, तो देख सकते हैं, नेम द टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। बोला है कि ये हमें पॉइंट दे दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, नेम बताना है, कौन सा चतुर्भुज है, अगर बन रहा है तो नाम बताइए, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये हमें बिंदु दे दिए गए, उनका रीजन भी देना अपने आंसर के साथ। तो चलिए मैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दूंगा, इसके बाद इसी तरह जस्ट लाइक सेकेंड एंड थर्ड है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक, फर्स्ट नंबर देखिए, लेट ए माइनस वन माइनस टू, देन बी क्या हो जाएगा वन और जीरो, देन सी क्या हो जाएगा माइनस वन, ये सी है माइनस वन एंड टू, एंड देन डी क्या है हमारा माइनस थ्री और जीरो, ठीक ये है। तो अब देखिए चलिए अब क्या लगाएंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आप बता सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर होता है, ठीक। अब चलिए इससे हम क्या निकालेंगे, ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू, ठीक, ए बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर बी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर सी डी की वैल्यू निकालेंगे और इसी तरह डी ए की वैल्यू निकाल, अब देखिए फिर इसी तरह क्या निकालेंगे, ए सी की वैल्यू और इसी तरह बी डी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल लें, ए बी की, ए बी इक्वल डिस्टेंस फॉर्मूला देख लीजिए, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो इसके लिए क्या होगा एक्स टू और बाई टू, ये एक्स वन और बाई वन, तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा वन माइनस और माइनस का वन का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा जीरो और माइनस का टू का होल स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं यहाँ से माइन वन और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन का होल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टू का होल स्क्वायर, और जीरो का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि वन वन टू का होल स्क्वायर और यहाँ से टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देख सकते टू टू जा फोर और टू टू जा फोर हो जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फोर फोर जा सिक्सटीन, और यहाँ से क्या हो जाएगा फोर बाहर आ जाएगा, सॉरी सिक्सटीन नहीं बनेगा, मिस्टेक हो गया, फोर फोर क्या आएगा एट आएगा, प्लस होगा, अपन तो मल्टीप्लाई कर दिए जल्दबाजी के चक्कर में, तो फोर प्लस और फोर प्लस क्या होगा फोर एट होगा, तो इसको क्या बना सकते हैं टू इंटू फोर, तो टू इंटू टू इंटू टू बनेगा, तो टू टूट जाएगा तो बाहर आ जाएगा, तो टू रूट टू आ गया। हम क्या कह सकते हैं कि ए बी की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, टू रूट टू आ चुकी है, ठीक, ये रूट है अंडर रूट टू, अंडर रूट टू आ चुकी है। अब इसी तरह हम बी सी की वैल्यू निकाल लें, देखिए बी सी की वैल्यू, ठीक, बी सी की वैल्यू देख लीजिए क्या है यहाँ से बी और सी, तो यहाँ देखिए माइनस वन और वन का होल स्क्वायर, देन टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर और टू का होल स्क्वायर, तो आप यहां से देख सकते हैं टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा टू टू जा फोर, और यहां से टू टू जा फोर हो जाएगा, तो इसी तरह यहां से क्या आ गया फोर फोर एट हो गया, और इसी तरह यहां से टू इंटू टू इंटू टू इंटू, तो टू का जोड़ा बना तो यहाँ पे टू बाहर निकल आया, यहाँ पे लिख सकते हैं आई थिंक यू कैन सी हियर, तो टू एंड रूट टू, तो आप देख सकते हैं कि बी सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है टू रूट टू, ठीक। इसी तरह अब हम क्या निकालेंगे, ठीक, इसी तरह हम अब किसकी निकालेंगे, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, अब सी डी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक।
अब देख सकते हैं कि सी डी की वैल्यू क्या होगी, यक्स टू माइनस एक्स वन, तो माइनस थ्री और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां से क्या हो जाएगा, जीरो माइनस और माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यहां से देख सकते हैं कि सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री माइनस थ्री और माइनस माइनस प्लस वन का होल स्क्वायर और यहां से माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, देख सकते हैं कि माइनस थ्री और प्लस वन माइनस का टू का होल स्क्वायर और यहां से माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यहां से देख सकते हैं कि टू टू जा क्या हो जाएगा, फोर और टू टू जा फोर। यहां से क्या देख सकते हैं कि एट आ चुका है और ये क्या हो जाएगा, टू इंटू टू इंटू टू का अंडर रूट, यहां से आ चुका है आपका टू रूट टू। तो हम क्या कह सकते हैं कि सी डी का वैल्यू भी हमारे पास क्या आ चुका है, टू रूट टू। सी डी की वैल्यू क्या आ चुकी है, टू रूट टू। अब चलिए एक देख सकते हैं डायगोनल चेक करके, ठीक। अब डायगोनल क्या हो जाएगा हमारा, ए सी, मान लीजिए हम कोई बना रहे ए, ठीक, ए बी सी और डी। तो ए बी की डिस्टेंस आ गई, बी सी की डिस्टेंस आ गई, सी डी की आ गई और डी ए की डिस्टेंस आ चुकी है, डी ए की नहीं आई सॉरी, ए बी बी सी और सी डी निकाले। अभी देखिए यहां से क्या निकाल रहे हैं, डी ए की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब बताइए डी ए के लिए क्या हो जाएगा, देखिए डी और ए तो हो जाएगा माइनस थ्री और माइनस का वन का होल स्क्वायर, देन जीरो माइनस और माइनस का टू का होल स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं माइनस थ्री और यहां से प्लस वन का होल स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा, माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि माइनस थ्री और टू टू का होल स्क्वायर, माइनस टू का होल स्क्वायर और यहां से माइनस टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर और टू टू जा फोर, तो यहां से क्या जाएगा एट। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, टू रूट टू। तो आप देख सकते हैं कि डी ए की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, टू रूट टू। और अब हमें जो फाइंड करना है, तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, ए सी और बी डी, क्या फाइंड कर सकते हैं, ए सी और बी डी। तो आप देख सकते हैं, आई थिंक यू हियर सीन, ठीक। तो यहां से ए सी निकालने, देखिए इसी ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से ए है पॉइंट और ए सी पॉइंट है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए सी माइनस वन और माइनस और माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस, यहां से क्या हो जाएगा, टू माइनस और माइनस और माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यहां से देख सकते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, माइनस वन और माइनस माइनस प्लस वन का होल स्क्वायर और यहां से क्या हो जाएगा, टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू का होल स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा तो जीरो का स्क्वायर और यहां से फोर का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यहां से क्या आ चुका है, फोर फोर जा सिक्सटीन और सिक्सटीन को बाहर निकालेंगे तो फोर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए सी की वैल्यू क्या आ चुकी है, फोर आ चुकी है। चलिए हमारे पास स्पेस कम है, अब देख सकते हैं हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, बी डी की वैल्यू, किसकी, ए सी की वैल्यू निकाल लिए, अब बी डी की वैल्यू एक और निकाल लें। ये देखिए बी है और ये डी है, तो अब देख सकते हैं यहां से माइनस थ्री का, यहां से क्या हो जाएगा, माइनस वन का होल स्क्वायर, देन यहां से क्या हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस फोर का स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा, फोर फोर जाए सिक्सटीन, तो यहां से क्या आ जाएगा, फोर बाहर निकल आएगा। तो बी डी की वैल्यू क्या आ चुकी है, फोर आ चुकी है, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहां से कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए इक्वल कितना है, टू रूट टू। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कि ए बी बी सी और सी डी और डी ए क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल लेंथ में है, ठीक। और तो आप देख सकते हैं इनका डायगोनल क्या है, ए सी, क्या डायगोनल निकाले, ए सी, ए सी इक्वल फोर और बी डी इक्वल क्या आ चुका है, फोर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल भी क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल भी सेम है। तो हम कह सकते हैं, यस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, यस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज स्क्वायर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, एंड यू विल ऑल्सो डू सेकेंड एंड थर्ड लाइक दिस।
अगर डायगोनल सेम नहीं आया तो आप क्या कह सकते हैं कि ये स्क्वायर नहीं है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, जो भी है आप देख सकते हैं। और इसकी भी आप प्रॉपर्टी जानते हैं क्वाड्रिलेटरल की। तो ओके, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इस एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। बोला फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2-5 एंड -2 एंड 9। ठीक, बोला है कि वह पॉइंट फाइंड कीजिए, वह बिंदु पॉइंट कीजिए जो एक्स एक्सिस में है। तो विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से इक्वी डिस्टेंस मतलब दोनों बराबर डिस्टेंस में हो ये और ये पॉइंट। अब देख सकते हैं क्या मानेंगे, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या जाएगा, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक, क्या हो जाएगा, मान लीजिए पी माने तो क्या हो जाएगा, एक्स और जीरो हो जाएगा। देखिए एक्स की बात क्या है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो आप जानते हैं यहां से क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो हमें पॉइंट कहां का चाहिए, एक्स एक्सिस का। तो एक्स और कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, एक्स और जीरो, क्योंकि वाई क्या है, जीरो। अब हमें फाइंड कहां करना है, एक्स एक्सिस की बात किया है। और देख लीजिए कोई क्यू पॉइंट क्या है, 2-5, और कोई पॉइंट आर है हमारे पास -2 और 9, हम लेट कर लिए हैं। बोला है इक्वी डिस्टेंस मतलब दोनों समान दूरी पर, इक्वी डिस्टेंस मतलब होता है दोनों समान दूरी पर हो। तो इक्वी डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि पी क्यू की दूरी, ठीक, पी क्यू की दूरी और यहां से पी आर की दूरी दोनों कैसे हो, एक समान दूरी पर हो, है ना। तो अब देख, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, नहीं तो लिख दीजिए साइड में, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। देख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 का -x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला और हम इसे यूज करेंगे। यहां देख लीजिए पी क्यू, हमें क्या निकालना है, पी क्यू और पी आर के बराबर इक्वी डिस्टेंस बोला है। तो यहां से देख सकते हैं आप, ठीक, यहां से देखिए आप किसकी दूरी, पी क्यू की दूरी, तो 2-x का होल स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा यहां से -5 और -0 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां देख लीजिए आप पी आर, पी और ए आर है, क्या हो जाएगा -2 का -x का होल स्क्वायर + यहां से क्या हो जाएगा 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 2-x क्या हो जाएगा, 2-x का होल स्क्वायर और यहां से -5 का होल स्क्वायर। ठीक, यहां से आप देख सकते हैं -2 और -x का होल स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर। ठीक, आप ये क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 7th, 8th, 9th, 10th, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, a की जगह 2 और b की जगह x। ठीक, अप्लाई करते हैं, देखिए 2 का हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 × a क्या है 2 है और b क्या है x है, और यहां से क्या हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5 5 = 25 का। ठीक, 5 - 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 5 5 = 25। अब आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2 × -2 और इंटू एक्स, और यहां से क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, देन 9 9 = 81। ठीक, अब ये आ गया, अब देख सकते हैं आप यहां से क्या हो जाएगा √2 2 = 4, यहां से 2 2 = 4x और यहां से एक्स स्क्वायर देन 25 इक्वल क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए 2 2 का स्क्वायर तो 4, यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस टू टू जा फोर एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर, और यहाँ से नाइन नाइन जा 81। ठीक, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, क्या कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। ठीक, तो आप क्या कह सकते हैं कि स्क्वायर से आप काट सकते हैं इसको, ये और ये कट गया और यहां से कट गया, क्यों, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, और ये समथिंग पावर में क्या है 2 और अंडर रूट का 2, तो ये कट गया तो क्या बचा 1, तो ये कट गया, तो यहां से देखिए अंडर रूट 2 से कटा और यहां से 2 कट दिया, जब स्क्वायरिंग कर दिए तो यहां से क्या आ जाएगा 4 प्लस और 25 को आ जाएगा माइनस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 29, यहां से क्या आ जाएगा 4 और 81 क्या हो जाएगा 85 प्लस 4x और x स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर, देखिए माइनस 4x स्क्वायर x और इधर आ जाएगा तो माइनस का 4x, यहां देख लीजिए x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर, यहां से क्या है 85 और यहां से चला जाएगा तो माइनस का 29, क्या हो जाएगा माइनस का 29, ये प्लस है इधर गया माइनस। अब देखिए वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ कर लिए, सेपरेट कर लीजिए, कर दिए तो आप देख सकते हैं माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस 8x क्या हो जाएगा माइनस 4x और माइनस 4x माइनस माइनस 8x हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा 85 माइनस 29 15 में 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6। ठीक, और यहां से 7 में 2 जाएगा तो 5, यहां से देख सकते हैं कि माइनस एक्स इक्वल 56 अपॉन 8 और 8 7 जा माइनस एक्स बराबर माइनस 7। ठीक, माइनस एक्स बराबर क्या आ गया है 7, क्या लिख सकते हैं एक्स इक्वल माइनस 7। ठीक, एक्स इक्वल क्या चुका है माइनस का 7 आ चुका है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अब देखिए हमारा पॉइंट क्या था, यहां से देखिए हमारा जो पॉइंट पी था, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एक्स एंड जीरो, सो पी पी पॉइंट कैसा हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस 7 और 0 हो जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, देन प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, नेक्स्ट है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 10। तो देखिए हमें बाई की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, बाई की वैल्यू को फाइंड करना है, और डिस्टेंस दिया है कहां से, पी और क्यू की दूरी दी है उनकी, मान लीजिए एक कोई पॉइंट पी है और एक कोई पॉइंट क्यू है, तो इनके दूरी में क्या है पॉइंट टू और माइनस थ्री, और यहां से क्या हो जाएगा 10 और बाई, तो इनकी दूरी टोटल दूरी दे दी है 10 यूनिट्स, क्या दे दिया है 10 यूनिट्स, तो हमें क्या निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई। तो देखिए यहाँ पे गिवन पॉइंट क्या है, आप देख सकते हैं कि गिवन पॉइंट मान लीजिए पी, पी कितना है 2 माइनस 3 एंड क्यू, क्यू क्या है 10 और बाई, एंड क्या दे दिया 10 यूनिट्स, पी क्यू की वैल्यू क्या दे दी है 10 यूनिट्स। ठीक, पी क्यू की वैल्यू क्या है 10 यूनिट्स है, तो अब आप देख सकते हैं यहां से बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, देन बाय टू माइनस बाय वन का होल स्क्वायर, आप देख सकते हैं कि एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाय टू माइनस बाय वन का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये हमारा कोई पॉइंट पी है और ये क्यू है, तो अब हम निकाल सकते हैं कि पी की इक्वल क्या है 10, पी की इक्वल क्या है 10, आप यहां से देख सकते हैं पी क्यू की वैल्यू हम रखेंगे, इसको बना लीजिए अच्छे से, ठीक, पी क्यू यहां से देखिए, अब देख लीजिए ये क्या है एक्स टू और बाई वन और एक्स वन और बाई वन, तो देख सकते हैं आप 10 माइनस टू का होल स्क्वायर, देन बाई माइनस और माइनस और माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक, और यहां से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा 10 माइनस टू 8 का स्क्वायर, और यहां पे बाई प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 10 हो जाएगा, तो आप यहां से देख सकते हैं
रूट ओवर एट एट जा सिक्सटी, एट एट जा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। यहां से बाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर, तो बाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल 10। तो क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो ये 10 का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर इससे कट जाएगा अंडर रूट, और यहां से 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। यहां से क्या हो जाएगा 64 प्लस बाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक, बाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर। यहां देख सकते हैं कि 64, यहां से क्या हो जाएगा फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। यहां देख लीजिए बाई का स्क्वायर प्लस टू इंटू बाई इंटू थ्री और प्लस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल 100, ठीक। यहां से क्या हो जाएगा 64 प्लस बाई स्क्वायर, यहां से टू थ्री जा सिक्स बाई और प्लस नाइन इक्वल 100। यहां पे समझ आ गया, टू और थ्री का मल्टीप्लाई कर दिए तो सिक्स और ए बाई, यहां से प्लस नाइन इक्वल 100। आप देख सकते हैं बाई स्क्वायर और यहां से क्या है बाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई, और यहां से 64 और 9 को ऐड कर देते हैं तो 9 4 13 की 3 कैरी 1 6 और 7 इक्वल 100। अब देख सकते हैं यहां से क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई, बाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस इक्वल, अब देखिए यहां से इक्वल 100, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 73। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो देख सकते हैं आपकी यहां से 27 आ जाएगा, यहां से बाई स्क्वायर प्लस सिक्स बाई आ जाएगा। अब देखिए यहां से शायद आपको ना दिखे तो इधर कर देगा हम सॉल्व, ठीक। आप देख सकते हैं यहां से क्या आ चुका है हमारा बाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई और इक्वल किधर 27 है, तो जब इस साइड आ जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस का 27 इक्वल 0, ठीक। अब देखिए आपको मैंने नाइन्थ क्लास में सिखाया, एट्थ में भी बताया कि क्या है बाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई माइनस 27, ठीक। तो सीख चुके होंगे तो इनका फैक्टर निकालना है, डिसोसिएट द मिडिल टर्म, हमें मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है कि प्लस और माइनस करने पर 6y आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए माइनस का 27 आ जाए, ठीक। तो देख सकते हैं कि 9 थ्रीजा कितना होता है 9 थ्रीजा 27, माइनस माइनस अगर आ जाए तो 9 थ्रीजा 27 रॉन्ग हो जाएगा। यहां से देख लीजिए क्या लिख सकते हैं, प्लस का 9 और माइनस का 3, तो 9 थ्रीजा माइनस 27 और प्लस माइनस माइनस 6 प्लस 6 आ जाएगा, ठीक। तो यहां से देखिए बाई स्क्वायर प्लस नाइन बाई माइनस क्या हो जाएगा 3 बाई माइनस 27 इक्वल 0। यहां से हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस नाइन बाई, यहां से देख सकते हैं सॉरी यहां से क्या करेंगे ये दो बना दिए और यहां से दो, तो यहां से बाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बाई प्लस 9, ठीक। आप देख सकते हैं कि यहां के बाई स्क्वायर के बाई कॉमन और ये बाई कॉमन ली तो क्या बचा बाई प्लस 9। यहां से देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा बाई प्लस 9 इक्वल 0। तो यहां से देख लीजिए बाई प्लस 9, बाई प्लस 9 कॉमन है तो बाई प्लस 9 और बचा क्या बाई बचा और माइनस का 3 इक्वल 0, ठीक। तो यहां से देख सकते हैं बाई प्लस 9 इक्वल 0 और बाई माइनस 3 इक्वल 0, तो यहां से क्या हो जाएगा बाई इक्वल प्लस 9 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9 और इसी तरह बाई इक्वल 3 माइनस 3 तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 3। तो आप देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड टू वैल्यू आ चुकी है बाई की माइनस 9 एंड 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए वी कैन राइट हियर देयरफॉर द वैल्यू ऑफ वाई इज माइनस 9 एंड 3, बोथ पॉसिबल, बोथ वैल्यूज आर पॉसिबल। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट।